कैसा लगा? अच्छा था। कैसा लग रहा? रुआब जब में आग लगा दी। नहीं नहीं, मुंबई में नहीं। बड़ा पाव बस। नहीं नहीं, फ्राइज है, पेरी पेरी फ्राइज है। लेकिन गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रश एंड वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। सो गाइस आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जो आज के सारे फूड रिव्यूज़ हैं वो मैं नहीं करूँगा, वो मेरी बहन करेगी। क्योंकि जो मेरी बहन है वो शिफ्ट हो गई थी मुंबई, क्योंकि उनकी शादी हो गई है। सो जो आज उनका हस्बैंड है और मेरी बहन है वो आ रखे हैं। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने इंटर्नशिप पे, तो मैं अभी अपने कपड़े बदलूंगा। अभी तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, नहाऊंगा धोऊंगा और कपड़े बदलूंगा और उसका जाऊँगा अपने इंटर्नशिप पे। और जो मेरी बहन है वो मेरे को सीपी में ही मिलेगी। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करें। और भाई बिना देखे वीडियो को लाइक कर दो, पूरा प्यार दिखा दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो कोई बढ़िया सा। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस मैं आ गया हूँ आर के आश्रम पे और जो दीदी है वो राजीव चौक पे भी वेट कर रही है। तो इससे अगला स्टेशन राजीव चौक है, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे और दीदी से मिलेंगे। और अभी हमने कोई डिसाइड नहीं करा कि अभी हमें कहाँ जाना है। तो यार जो दीदी है वो भी हमारा वेट कर रही होगी, तो उसने मेरे को फ़ोन करके ये बोलता कि 3-4 गेट से एग्जिट कर ले। तो यार अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, देखते हैं कि वो कहाँ पर खड़े हैं। और अभी हमने कुछ प्लान नहीं करा कि आज जाना कहाँ है हमें, तो बिल्कुल ही अनप्लैंड है। तो अभी चलो आपको अपनी दीदी से मिलवाता हूँ और उनके हस्बैंड से भी मिलवाता हूँ। थोड़े टाइम पहले उनकी शादी हो गई थी, तो यार मैं काफ़ी बिजी था इसलिए आपको बता भी नहीं पाया और मैं कोई व्लॉग भी शूट नहीं कर पाया था उसका। एस्केलेटर भी बंद है। पहले तो हॉस्पिटल में मजदूरी करो पूरे दिन, फिर यहाँ पे चल के सीढ़ियाँ चढ़ के मजदूरी करो। तेरे सामने खड़ी है दीदी और मेरी कज़न बहन और ये उनका हस्बैंड। हेलो हेलो से हेलो टू माई सब्सक्राइबर्स। सो गाइस ये है मेरी कज़न सिस्टर और इसका नाम है प्राची और ये मेरे मामा की लड़की है। हेलो गाइस, मेरे को पता नहीं था आज आने वाली है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और अच्छी अच्छी जगह खाने आओ। तो यार अभी हमने कुछ प्लान नहीं करा, अभी हम सोच रहे हैं कहाँ जाएँ। तो अभी हम सारे मिलकर डिसाइड करेंगे, फिर हम आप अंदर जाके सब्सक्राइब बोला था मैंने। तो यार बहुत सोचने के बाद हमने डिसाइड करा है कि हम सबसे पहले फायर पॉइंट ट्राई करेंगे, जो यहाँ की फेमस शॉप है सीपी में। हम सोचा कि हम यहाँ का फायर पॉइंट ट्राई करेंगे पहले और इसके बाद देखेंगे कहाँ पे जाना है। तो अभी हम तीनों वहीं पे जा रहे हैं और मैंने तो पहले फायर पॉइंट काफ़ी बार ट्राई कर रखा है, बट आपको तो पता ही है मुंबई में ज़्यादा खाने के ऑप्शंस होते ही नहीं है। इतने चुने ऑप्शंस होते हैं खाने के और मैं तो पूरा चटोरा हूँ दिल्ली का आप लोगों को पता ही। तो इन्हें पहले फायर पॉइंट खिलाते हैं और फिर और देखते हैं कि और क्या खिलाना है इनको आज। ये भैया फायर पॉइंट बना रहे हो क्या हमारा? ये क्या लगाया सबसे पहले? गुलकंद है। अच्छा वे स्पेशली मुंबई से खाने आए आपका पान? नहीं भैया पूछ लो, पीछे खड़े हैं, मुंबई से आए हैं। आधार कार्ड दिखा दो इनको आप अपना। क्या रेट क्या भैया इसका? 40। सही है भाई। ये लग गई आग। सबसे पहले हमारे जीजा जी ट्राई करेंगे। भैया का पान नीचे गिर गया, वो उठा दो। ये भी शूट। कैसा लगा? कुछ बोल नहीं पा रहे। मुँह तो नहीं जला, हल्का सा वो। हाँ वैसे क्या हो गया सर? जीजा जी ने तो ट्राई कर लिया फायर पान, अब दीदी की बारी है। अब दीदी ट्राई करेंगी। हमारे सामने से हमारी दूसरा कैमरामैन मोना इनकी वीडियो बनाने में लगी हुई है। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी। बढ़िया। कैसा लगा? हंस ले पहले, तुम हंस ले। कैसा लगा? अच्छा था। कैसा लग रहा? रुआब जब मैं आग लगा दी। जगह बचा रही है कुछ और खाने के लिए। चलो तो कुछ और ट्राई करते हैं। सो गाइस अब बारी है मोना की, वे ट्राई करेगी फायर पान। इसका रिव्यू देखते हैं कि इसको कैसा लगता है फायर पान आज। टिश्यू भी खा गई क्या? बता दे बहन कैसा लगा। सोच रही है। ठीक है, मतलब आप ट्राई कर सकते हो। 40 रुपीज़ कोई बुरा, मतलब ठीक है, मतलब आप कॉस्ट एकदम ठीक है इसकी। बट अगर मैं बोलूँ बहुत अच्छा या कुछ ऐसा तो ऐसा नहीं है, स्मोकी सा फ्लेवर आएगा बस। फायर पान तो ट्राई कर लिया, उन तीनों ने एकदम मस्त इन्जॉय करा फायर पान को। और मतलब मोना का तो यही कहना था कि ज़्यादा बढ़िया नहीं था, बाकी मेरे को तो सही लगता है और दीदी को भी सही लगा और जिया जी को भी बढ़िया लगा। उसके बाद मैंने सोचा है कि हम चलते हैं 0 डिग्रीज़, क्योंकि जो 0 डिग्रीज़ है भाई फेवरेट जगह है मेरी, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। और सीपी वाला तो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है, कुछ ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई है मेरी उससे। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा 0 डिग्रीज़। तभी हम यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने थोड़ी सी वेटिंग बोली कि 15 से 20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये लोग गए हैं सामान लेने, तो मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ और आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और गाइस ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है 0 डिग्रीज़ का, मैं यहाँ पे अपने बिल मतलब बिल पे करके खाऊँगा। तो चलो यार अंदर चलते हैं, आपको इंटीरियर दिखाते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ का फूड। गाइस ये देखो वाइड एंगल शॉट कैसा लग रहा है आपको। और ये आज की वीडियो जो है भाई उधारी के फ़ोन से बन रही है, ये जीजा जी के फ़ोन से बन रही है क्योंकि मेरे फ़ोन में तो वाइड एंगल है ही नहीं। बट यार वाइड एंगल के शॉट जो है भाई बहुत मस्त आते हैं। तो चलो यार अंदर चलते हैं। ये देखो ये है इनका मेन्यू और इसमें से बहुत कलरफुल है ना। हाँ पहले ये बोल लो भाई, पहले ये कर लो। तो भाई ये मेन्यू देख लो आप इनका। और ऑर्डर तो इन लोगों ने कर ही दिया है, मेरे को भी पता नहीं क्या आने वाला है। और उसमें से एक आइटम तो आ भी चुका है हमारा चॉकलेट शेक, और हमने फ़ोटो सेशन भी चल रहा है। और अब मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे उधारी का फ़ोन छीन लिया गया है। तो भाई ये देखो ये इनका मेन्यू है। हमारी फ़ोटो खींचेगी, अब हमारे भी खींच दो भाई। तो गाइस हम खाने का वेट कर रहे हैं बहुत देर से और इसकी ओवर एक्टिंग बंद नहीं हो रही है। मेरा नेचुरल है, मैं ओवर नहीं करता। नेचुरल नहीं है ये। चलो रिव्यू करके दिखाओ। ठीक है, थोड़ा कोल्ड कॉफ़ी जैसा लग रहा है। ठीक है कि नहीं है? ठीक तो नहीं है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं है। कहाँ से दिखेगी? मुझे सो ये जो है ये एक्स्ट्रावेगेंजा 0 एक्स्ट्रावेगेंजा पिज़्ज़ा है। और हमने इनसे पूछा था कि आपकी स्पेशलिटी कौन सी है, तो इन्होंने हमें यही वाला सजेस्ट किया। सो अब हम टेस्ट करके देखते हैं क्या है ये। बहुत हॉट है। कैसा लगा? वर्थ इट है? इतना वर्थ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। आप भी ट्राई कर लो। अच्छा है वैसे, क्रिस्प भी बढ़िया है, बहुत मोटा नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये है तंदूरी फ्राइज़, ये एक अच्छे ऑर्डर्स में से एक है, तो हमने आप ट्राई करना है सोचा। आपने ट्राई करा कभी ये पहले? नहीं, मुंबई में नहीं है सब। नहीं नहीं, मुंबई में नहीं। बड़ा पाव बस। नहीं फ्राइज़ है, पेरी पेरी फ्राइज़ है, लेकिन ऐसा मतलब फैंसी नहीं है इतना। अच्छा, इसमें एक तंदूरी फ्लेवर है, आई मीन जिसमें बनाया उन्होंने, काफ़ी क्रिस्प है, अच्छा है। और ये आई थिंक जो भी सॉस है इनके वाइट, और ये मिसल पाव से अच्छा है, मुझे ये बताओ। वो अलग कैटेगरी में आता है, मिसल पाव की अलग ही फीलिंग है। वो अलग है, वो भी अलग है, ये भी ठीक है, ये बढ़िया, बड़ा अच्छा है, क्रिस्प अच्छा है काफ़ी। और सॉसेस भी है, थोड़ा आई वुड से कि हायर ऑन द सॉल्ट साइड में भी मुझे लग रहा होगा। तो इन्होंने तो चीज़ी फ्राइज़ ट्राई करे, तो अब मैं एक बार मैं भी ट्राई करके बताता हूँ आपको कि चीज़ी फ्राइज़ का टेस्ट है कैसा। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट इनके चीज़ी फ्राइज़, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मतलब आता ही 0 डिग्री सिर्फ फ्राइज़ खाने के लिए हूँ, उसके अलावा मेरे को ज़्यादा कुछ अच्छा लगता नहीं है। एक तो इनके फ्रीक शेक्स और जो यहाँ पे फ्राइज़ होते हैं भाई बहुत गजब के फ्राइज़ होते हैं, फ्राइज़ बेस्ट हैं यहाँ के। अगर आपको कभी फ्राइज़ ट्राई करो ना चीज़ी फ्राइज़, तो सिर्फ 0 डिग्रीज़ आना भाई, बाकी सब बेकार है। इसके आगे 0 डिग्री से फ्राइज़ खा लोगे ना, बस भाई क्या बताऊँ। इसी बात पर एक और फ्राइज़ खा लेता हूँ। कल से तो फिर मजदूरी करनी है मेरे को RML के अंदर, और कोई काम है नहीं मेरे पास। मेरे भी खाने में लगी हुई है, फिर चालू हो गई। बहुत देर पहले वॉफल ऑर्डर करा था, मेरे को तो अभी इन लोगों ने यहाँ दिलाया, और लगभग आधा घंटा हो गया हमारा वॉफल आया ही नहीं है। और फ्रीक शेक ऑर्डर करे भी 10 मिनट हो गया है। खाना तो अच्छा है, बट जो इनकी सर्विस है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। पहले से मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। और एक तो इतने सैड सॉन्ग चला रहे हैं ये भाई, बंद ही नहीं कर रहे। हम तो भाई परेशान हो गए हैं, हम सिंगल लोग क्या करें। मेरे भाई की वीडियो में कॉपीराइट आ जाए भाई, हम सिंगल लोग क्या करें लव वाले सॉन्ग सुन के। मेरे साथ सुन। हाँ मैं सोच रहा हूँ अपने से बड़ी बंदी पटाऊंगा, छोटी वाली तो काट के चली जाती बड़ी वाली है, मैच्योर होती है, बड़ी ऐसी मैच्योर होती है। निब्बा निब्बी चले गए मेरा कुछ सो हमने न्यूटेला वॉफल ऑर्डर करा है और ये हमारा लास्ट ऑर्डर है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है ऑर्डर लाने में, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। हम सोच रहे थे शेक्स वगैरह भी ऑर्डर करें, बट अब हमारा मूड नहीं हो रहा है, मूड इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया है यहाँ पे आके। सो ट्राई करते हैं अब इनका वॉफल कैसा है। सो पहले भी मैंने इनका वॉफल ट्राई करा है, बट मैंने दूसरा वाला किया था पहले, अभी ये वाला मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बहुत टेस्टी है। सो वॉफल इनका बहुत टेस्टी है, बिल्कुल भी सॉगी नहीं है, ये क्रंची एकदम। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, चॉकलेट इन्होंने खूब भर भर के डाली हुई है। सो एक और बाइट ले लेते हैं। तो यार ये हमारा बिल आ गया है, और जो मैंने फ्री शेक ऑर्डर करा था इन्होंने बहुत ज़्यादा देर लगा दी, मैंने वो कैंसिल ही करवा दिया। और जिसको भी इस बिल में कंट्रीब्यूट करना है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। मैं पेटीएम नंबर डाल देता हूँ, सारे भाई लोग पेटीएम डाल देना उसके अंदर, और भाई मैं यहाँ पे बिल पे कर दूँगा। बट यार मतलब इनकी सर्विस ना सच में मूड ख़राब कर दिया, बहुत स्लो सर्विस थी। ये पानी की बॉटल भी इन्होंने 1 घंटे बाद दी है हमें। गुड कॉम्प्लीमेंट्स ये रहे। तुम लेट रिव्यू क्यों दिया, ओ इतने लेट फूड क्यों दिया इन्होंने हमें भाई। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें भाई। फ्राइज़ तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के, आपको जैसे मैंने बताया, और शेक भी बढ़िया था, बट फ्री शेक तो भाई दिया ही नहीं। और मैंने पहले ही बिल में ऐड करके ले आए थे, फिर हमने। तो चलो यार बाहर चलते हैं, मोमोज खाने का मन कर रहा है, तो हम चारों मोमोज खा के आते हैं, फिर उसका भी रिव्यू करते हैं। यार 0 डिग्री से तो हम बाहर आ गए हैं, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया आज, सर्विस तो बहुत ज़्यादा स्लो थी। तो अभी हम जा रहे हैं मोमोज़ खाने, जो कि खादी इंडिया के सामने। और भाई कैसा लगा इतने टाइम बाद दिल्ली घूम के? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुंबई में सही बताऊँ मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये सीक्रेट गाइज मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ, और अभी पूरी दुनिया देखेगी। हाँ। ये कह रही है से मुंबई में मज़ा नहीं आता, ये कह रही है मुझे खुद नहीं आता। भाई क्या सच में वहाँ पे सिर्फ खाने का वड़ा पाव मिलता है? मैं मेरी बहन तरस के लिए है काफ़ी कुछ, लेकिन दूर दूर है। ये लोग स्ट्रीट फूड वो ऐसे हर जगह नहीं मिलते, इतना डेंसिटी नहीं है। ये दूसरी बार आए हैं यहाँ पे मुंबई से दिल्ली, और यहाँ भाई मोमोज फेवरेट हो गए इनके मेरी तरह। जब से खाने के लिए आता हूँ मैं यहाँ पे, वहाँ का भूखा जन्मों का यहाँ आता हूँ भाई। जब से आएंगे ना रोज़ शाम को 2 प्लेट मोमोज चाहिए होती है। मेरे साथ रह के बिल्कुल मेरे जैसे हो गए हैं ये। तो चलो यार अब हम फाइनली मोमोज खाने जा रहे हैं, और वहाँ का रिव्यू करके बताते हैं आपको। ये देखो ये है सीपी की फेमस जगह, जहाँ पे मुजरा होता है टिकटॉक की जगह। और जो लाइन लग रही है सारे लोगों की, भाई टिकटॉक बनाने के लिए लग रही है। पर हमें तो यार मोमोज खाने, तो हमें टिकटॉक से मतलब है नहीं। चलो यार मोमोज खाने चलते हैं। यार हम मोमोज वाले पहुँच गए हैं। अभी मेरी बहन फ़ोटो खिंचाने के लिए पागल हो जा रही है। पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, देखो दौड़ के फिर पहुँच गए। भाई कभी भी आओ ना बाहर तो बहनों को साथ में मत लाना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे। तो जब से मैं उसकी फोटो ही खींच जा रहा हूँ। खींच दी तो अभी नहीं। तो यार थोड़ा अंधेरा है इसलिए मैं दिख नहीं रहा हूँ, और इसको उसमें भी फ़ोटो खिंचवाने की पड़ी हुई है। आई सेड इट एंड आई विल से इट अगेन, कभी भी बहनों के साथ बाहर मत आना, परेशान हो जाओगे। ये है मोमोज़ वाला, और मेरी बहन ने बताया कि इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा। क्या चाहिए? अच्छा मास्क, अरे ले भी लिए, वीडियो बनानी थी यार। सो अब हमने लिया है पनीर मोमोज़, और ये जगह है खादी इंडिया के सामने। हाँ मैंने दिखा दी थी वैसे। चलो अब हम इसको टेस्ट करके कॉफ़ी के सामने भी बोल सकते हैं, एकदम अपोजिट है, रिव्यू करके बताते हैं। अच्छा है, अच्छे हैं कि नहीं है? नहीं अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। थोड़ी चटनी मेरे को थोड़ी सी मीठी लग रही है आज माय फूड क्रश को, लेकिन अच्छा ओवरऑल अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है। मुंबई वाले मुझे ब्लॉक मत करते, अलर्ट हो जाए सारे के सारे। नहीं बहुत अच्छा है मुंबई वालों की। और कैसा लगा बहना जितने टाइम बाद? तो मतलब अच्छा तो लगा, मेरे को तो बहुत मज़ा आया इतने टाइम बाद। मुंबई में इतनी मस्ती करती है? नहीं यार मुंबई में तो इतना मस्ती करने को कुछ नहीं मिलता। अपने भाई की याद नहीं आती? खाना कहाँ से खिलाया? हम खुद खाना नहीं खा पा रहे, 0 डिग्री में मूड खराब हो गया सारा। अच्छा गाइज आज मैं आपको एक सीक्रेट रिवील करती हूँ, किसी को बताना नहीं। इसका घर का नाम है नोनू। तो चलो यार गाइज अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे और व्लॉग्स चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।